गुड मॉर्निंग गाइस। कोरोना लॉकडाउन का एक और दिन, डे शायद 83 है आज, और बाहर जो है मस्त वाली बारिश हो रही है और हमारे पास एक आम भी है, तो बाहर बैठ के खाने वाला हूँ और वहीं से आगे का व्यू दिखाने वाला हूँ। तो देखो, बारिश का नतीजा है कि जमीन कैसा हो गया है। सब पैर रख के अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो गड्ढा हो जाएगा, यही सीन है। बारिश लेकिन हुआ जबरदस्त है और पूरे गार्डन के एरिया में पानी भर गया है। खास के यहाँ पर जाने का मतलब है कि पैर कादों में घुस जाएगा, क्योंकि ये हिस्सा डाउन है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पानी जमता है। शाम के बज चुके हैं 4 और फिर से बारिश जो है शुरू हो गई है गार्डन में। इससे पहले जब मैं आम खा रहा था बैठ के, तो मोबाइल बारिश में ही छोड़ के चला गया, पूरा छींटा पड़ गया था मोबाइल पे। उसके बाद फिर हेयर ड्रायर से पूरा फ़ोन को सुखाया, तब जाके फ़ोन ठीक हुआ। मतलब ऐसे पानी अंदर घुसा कि नहीं घुसा मुझे नहीं पता, बट मैंने बढ़िया सुखा दिया कि कुछ भी हल्का सा भी ना घुसा हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा आखिरी बचा हुआ फ़ोन जो पोको F1 है तो गड़बड़ा जाए, क्योंकि पोको F1 से एक पूरा चैनल चलता है और आजकल तो व्लॉग भी इसी से शूट हो रहा है। तो ओवरऑल सब सही है और बारिश रुकने दो, फिर मिलते हैं शाम वगैरह में। ओके, तो गुड इवनिंग। रात के बज चुके हैं अच्छा खासा लेट और अब जो है सोने का टाइम हो गया, यानी कि व्लॉग खत्म करने का टाइम हो गया। हालांकि आपने देखा कि व्लॉग काफ़ी ज़्यादा जो है छोटा था, तो हाँ मैं मानता हूँ कि व्लॉग बहुत ज़्यादा छोटा था। छोटा एक्चुअली इसलिए था क्योंकि बारिश में मैं बोल रहा था तो आवाज़ ही नहीं जा रहा था, और बारिश जो है उसके बाद फिर शुरू हो गई और फिर काफ़ी देर तक जो है बारिश होते रही। इनफैक्ट मतलब बहुत हेवी बारिश हुई है और अच्छा भी है क्योंकि इससे पेड़ को काफ़ी आराम मिलेगा। मतलब मैं तो उतना ज़्यादा पानी दे नहीं पाता हूँ जितना नेचुरल सोर्स से पानी मिलेगा। पूरे पूरे लैंड में हर जगह, हर सब जगह मतलब पानी ही पानी भर चुका है हमारे एरिया में, और मुझे तो खांसी वाली प्रॉब्लम है और ऐसे बारिश में तो मेरा खांसी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और एक्चुअली में थोड़ा बहुत बढ़ भी गया है। सर्दी नहीं है, सिर्फ खांसी है, सिर्फ खांसी। और नॉर्मली अगर मैं किसी के सामने जाके खांसूँ तो उन लोग सोचेंगे कि भैया इसको कोरोना है, लेकिन ये व्लॉग जो मतलब अपना व्लॉग चैनल जो शुरू से देख रहे हैं उनको पता है कि लॉकडाउन के day 1 से मुझे खांसी है और आज day 83 हो गया है, आज भी मुझे खांसी है। हर वक्त मैं विक्स की गोली खाते रहता हूँ जिससे कि थोड़ा कंट्रोल में रहता है। आज किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि लौंग चूसो तो लौंग से आराम होगा, तो चलो वो भी करके देख लेते हैं भाई क्या क्या नहीं किया खांसी ठीक करने के लिए। और डॉक्टर तो खैर छोड़ ही दिया बहुत पहले, डॉक्टर ने खुद कह दिया कि आपको एलर्जी वाला खांसी है, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा, गर्म पानी पीजिए और कोई उपाय नहीं है। तो सारे के सारे उपाय मैं लगा रहा हूँ किसी तरह बस ठीक हो जाऊँ। बाकी जो है आज की व्लॉग छोटी है, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। और वीडियो की बात करूँ तो वीडियो तो शूट किया हुआ है ही, बस एडिट करके अपलोड करना है यूट्यूब पे, और उसी में जो है काहिलियत हो रहा है, करने का मन नहीं कर रहा है। क्या बोलूँ, मतलब एकदम कामचोर हो गया हूँ कह सकते हो, बट ठीक है, देखते हैं कब तक अपलोड होती है। उम्मीद तो है कि जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करूं, आज ना करूं तो कल करूं, कल ना करूं तो परसों करूं, बट वीडियो अपलोड करना ज़रूर है, वो ज़रूरी चीज़ है। बाकी नया सेटअप पे जो है काम चल रहा है, उधर से सब कुछ हटा दिया है और उधर ही नया सेटअप बनेगा। यहाँ पर से 2 में से 1 अलमारी रूम से बाहर निकल जाएगा, तो उन सब चीज़ों की वजह से काम अटका हुआ है। अब नया सेटअप बनेगा तभी वीडियो ठीक से आएगी, तब तक नया फ़ोन भी आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू लीक्स Realme X3 जो है इसी मंथ के लास्ट में लॉन्च हो सकता है। बाकी Poco M2 Pro का कुछ पता है नहीं, Poco M2 Pro का कुछ आइडिया नहीं है कि इस महीने होगा। हालांकि इतना कन्फर्म है कि Realme लॉन्च करेगा तो Poco चुप नहीं बैठेगा, वो भी पट से लॉन्च करेगा और Redmi भी पट से लॉन्च करेगा। तो होप्सो की Redmi Note 9 और Poco M2 Pro और इधर जो है Realme X3 तीनों जो है इस मंथ के लास्ट तक लॉन्च हो जाए और अगले मंथ के पहले वीक्स में या सेकंड वीक में उसका सेल शुरू हो जाए। एक्चुअली सीन ये है कि लॉकडाउन के वजह से वो यूनिट्स
चाइना से यहाँ शिप नहीं करवा पा रहे हैं, ना ही जो है ज़्यादातर जो पार्ट्स उनके यूज़ होते हैं जो चाइना से ही मैन्युफैक्चर होके आते हैं, जिनको यहाँ असेंबल किया जाता है, वो भी नहीं आ पा रहे हैं। सब के सब कस्टम में काफ़ी ज़्यादा जो है स्टक हैं। यही वजह है कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे फ़ोन के दाम बढ़ा दिए गए हैं। टैक्स तो एक वजह था ही, दूसरा वजह ये है उनके पास स्टॉक ही नहीं है, तो वो चाहते हैं भाई लेना है तो लो नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि उनके पास स्टॉक है ही नहीं, बहुत लिमिटेड स्टॉक बचा है, अब आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, तो इसलिए उन लोगों ने प्राइस भी जो है हाई कर दिया है कि जिसको लेने का मन होगा, इमरजेंसी होगा, वो तो लेगा ही, बाकी लोग तो वेट करेंगे ही करेंगे, उन्हें ये बात पता है। और लोगों का मतलब क्या है ना, मतलब हम लोग जो है वो नहीं सुधरेंगे, मतलब हम लोगों को फोन चाहिए तो चाहिए, कंपनी ने 1,000 रुपये बढ़ा दिया, 2,000 बढ़ा दिया, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, क्योंकि पैसा है तो खरीदना है। यही वजह है कि कंपनी वाले इजीली फोन का दाम बढ़ा देते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। आजकल एक नया चीज मैं देख रहा हूँ ट्रेंड में, कि यूट्यूब पर जो है एड आ रहा है कुछ, नोट 9 प्रो तो है बट उसके आगे एक और वर्ड यूज हुआ हुआ है, यानी कोई और कंपनी है जो नोट 9 प्रो का फोटो यूज करके नाम में थोड़ा सा एक कीवर्ड आगे एक्स्ट्रा ऐड करके जो है वो लिस्टिंग कर दिया है उन्होंने ऐड का, और लोगों को लग रहा है कि 4,000 में नोट 9 प्रो मिल रहा है, और वो ऑर्डर करेंगे, उन्हें अल्लाह मालूम यार क्या मिलेगा, फोन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो गूगल कैसे कैसे चीज़ों की ऐड यूट्यूब पे अप्रूव कर देता है, ये मुझे समझ में पर्सनली बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है कि यूट्यूब आखिर भाई सब करना क्या चाहता है। क्योंकि एक तरफ तो वो ये गुनगाता है कि हमारी ये पॉलिसी, हमारी वो पॉलिसी, हमारे ऐसे हमारे वैसे, लेकिन उसके बाद फिर जोर से तोड़ डाल देता है, भैया एड पॉलिसी तो ठीक कर लो, यूट्यूब पे एड तो सही दिखा लो, आए तो बाएं जो एड आता है, ठीक है यूट्यूबर फालतू वीडियो डाल देते हैं, अश्लील वीडियो डाल देते हैं, आप उस पर स्ट्राइक मार देते हैं, यूट्यूबर गाली देते हैं, आप उनको कम्युनिटी गाइडेंस मार देते हैं, लेकिन आपके एड जो आते हैं उनका क्या, जो स्टाफ आपकी उन एड अप्रूव करते हैं उन स्टाफ की नौकरी खा जाओ ना, तो फिर ये चीज़ ठीक हो जाएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी डेली लाइफ की वीडियोस जो है शेयर करता हूँ नो एडिटिंग के साथ, मतलब कि कोई भी मिर्च मसाला ना व्लॉग में एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ मैं, कि भाई व्लॉग शूट करना है तो कुछ तो दिखाना है तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ मैं नहीं करता हूँ, जो एक्चुअल में होता है वही मैं दिखाता हूँ, और ना ही ज़्यादा एडिटिंग में कर रहा हूँ। बाकी लॉकडाउन खत्म होने दो, कोरोना खत्म होने दो, फिर सिनेमैटिक शॉट वगैरह भी लेंगे, घूमे उमेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जिंदा रहें जब तक, तब तक ऐसा ही देख लो। बाय बाय।